नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। आज दिनांक 10/8/2020 को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब एवं अन्य लैबों से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें सागर से आज 18 लोगों की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव पाई गई है। इसमें पहले जो है 35 वर्षीय पुरुष सदर निवासी है, दूसरी 30 वर्षीय महिला और तीसरी 14 वर्षीय बच्ची, ये तीनों लोग जो है सदर निवासी एक ही परिवार के हैं। चौथे जो है 45 वर्षीय पुरुष विजय टॉकी रोड के, पांचवी जो है 58 वर्षीय महिला, ये नरियावली नाका। इसके अलावा छठवीं 73 वर्षीय महिला बड़ा बाजार, सातवीं जो है 19 वर्षीय पुरुष बाईसा मोहल्ला, आठवीं जो है 70 वर्षीय महिला ये भी बाईसा मोहल्ला से, नौवीं जो है 37 वर्षीय पुरुष बड़ा बाजार से, दसवें जो है 60 वर्षीय पुरुष एस्टेट कॉलोनी से, ग्यारहवीं जो है 78 वर्षीय पुरुष रविदास वार्ड से, बारहवीं जो है 32 वर्षीय पुरुष सुभाष नगर वार्ड से सुबेदार वार्ड से, तेरहवें जो है 34 वर्षीय पुरुष राहतगढ़ से, और चौदहवें जो है 45 वर्षीय पुरुष बंडा से, पंद्रहवें 45 वर्षीय पुरुष कढ़ाकोटा से, सोलहवें जो है 50 वर्षीय पुरुष सुभाष नगर से, सत्रहवें जो है 61 वर्षीय पुरुष सनीचरी से, और अठारहवें जो है 24 वर्षीय पुरुष ये कैंट के निवासी हैं, इनका सेना अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा अच्छी खबर यह है कि 14 लोग जिनका इलाज चल रहा था तो आज 14 लोग स्वस्थ होकर पूरी तरह डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। एक बार फिर से अपील करूंगा, सावधानी लगातार बनाए रखिए। आज का यही अपडेट है, नमस्कार।